तो गाइस पहले रहते हैं कस्टमर रिव्यू। तो नमस्ते भैया। नमस्ते जी। तो भैया अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है अनुराग भगत। तो अनुराग जी बताइए, इनकी पाव भाजी आपको क्यों इतनी फेवरेट है, जो इतने दूर से आप इनके पास खाने आते हो? काफ़ी डिलीशियस है, प्रेपरेशन अच्छी है इनकी। प्रेपरेशन जो है बहुत बढ़िया है इनकी। ओके, ओनली पाव भाजी इनकी ट्राई करने आते हो? नहीं, डोसा भी करते हैं। ये देखिए आप, डोसा वगैरह अभी आप डोसा ही ट्राई कर रहे थे? डोसा हाँ जी ट्राई कर रहे थे। तो अभी आपने ऑर्डर दिया है पाव भाजी का? सांभर वड़ा, डोसा काफ़ी सालों से खा रहे हैं, अच्छा है। आइटम भी अच्छी लगती है ये मेरे। सारी आइटम जो है पूरी फैमिली है, यूजली नहीं बाजार का कुछ भी खाता, लेकिन इनका प्रेपरेशन काफ़ी अच्छा है। ओके सर। और ये काफ़ी मज़ा आता है, मैं खा के देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, डोसा भी किया ऑर्डर हम। डोसा भी आपने अभी ऑर्डर किया है। तो अनुराग जी थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो सब? तो आज हम आपको बहुत ही फेमस अमृतसर की पाव भाजी खिलाने लाए हैं, जो कि मद्रासी डोसे वाले हैं। वो 25 साल से पाव भाजी का और अपना डोसे का काम कर रहे हैं, जो दो आउटलेट इकट्ठी चला रहे हैं। तो हम स्पेशली आज इनकी पाव भाजी जो फेमस है वो ट्राई करने आए हैं। तो चलिए करते हैं इनसे बात। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं लैंडमार्क दिखाता हूँ। सो गाइस, ये जो आप रोड देख रहे हैं ये मदन मोहन मालविया रोड है, और अमृतसर की काफ़ी फेमस रोड है ये। और बिल्कुल ये कंपनी बाग का जो गेट है उसके सामने भैया की दुकान है, तो बड़ा इजी है इनकी दुकान पर आना। तो चलिए गाइस करते हैं इनसे बात और देखते हैं और क्या क्या वैरायटी बनाई हुई इन्होंने। नमस्ते भैया। भैया कितने साल हो गए आपको पाव भाजी का काम करते हुए? पावास करके अभी 5 साल हो रहे हैं। अच्छा, अभी 5 साल हो गए, ऐसे 25 साल है? हाँ, 25 साल हो गया जो डोसे दुकान को हो गया। हाँ जी हाँ जी। और आप अमृतसर में डोसा ही बहुत फेमस है? हाँ जी, बहुत फेमस है। तो हमने तो आपकी पाव भाजी के बारे में, पाव भाजी भी बहुत फेमस है हमारा। ठीक है, तो क्या स्पेशल है पाव भाजी में आपके? स्पेशल पाव भाजी, स्पेशल पाव भाजी है बिल्कुल। आप बढ़िया तरीके से बढ़िया मसाले वगैरह अपने यूज करते हो? सर सारा कुछ अपने यूज करते हैं। तो ये कौन सा रोड पड़ता है? मदन मोहन रोड है। वहाँ पर आपकी शॉप है? हाँ जी। तो चलिए हमारे लिए भी तैयार कीजिए, फिर हम बताते हैं अपने दोस्तों को। तो गाइस हमारे साथ है करण जी। तो करण जी सबसे पहले तो आप भाजी तैयार कर रहे हो, तो इसको कितना टाइम लगता है वो तैयार करने में? तड़का तो हम बाद में लगाएंगे ना? बस 7 मिनट। अच्छा, 5 मिनट लगेंगे हमें उसको बनाने में। ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए करण जी क्या क्या इसमें डला हुआ है? सब्जी में? हाँ जी, सब्जी में क्या क्या डाला हुआ है आपने? टमाटर डाला हुआ है, बीन्स डाला हुआ है, शिमला मिर्च, पालक। अच्छा, इतना कुछ तो मतलब पाव भाजी के लिए डलता है? हरी सब्जी सारी आती है। तो भाई दे सकते हो, बट इसमें सब्जी नज़र आ नहीं रही मुझे, ये भी एक ट्रिक है मतलब। ऐसे उबाल के हम ग्रैंड करते हैं ना? अच्छा जी, अच्छा जी। फिर यहाँ पे उबाल के लेके आते हैं इधर। सो गाइस मदन मोहनिया रोड पर गाइस काफ़ी फेमस है अमृतसर में अपनी पाव भाजी के लिए। तो दूर दूर से लोग जो हैं ट्राई करने आते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो भैया कितने बजे स्टार्ट कर देते हो? 2 बजे। अच्छा, 2 बजे स्टार्ट होता है, और कितने बजे तक रात के? 11:30 बजे। तो गाइस होती है रेडी, तो फिर तड़का लगवाते हैं भैया से, वो भी आपको दिखाएंगे। तो करण जी सबसे पहले तो हमने अमूल मक्खन यूज़ किया है इसमें। तो अमूल मक्खन ही आप यूज़ करते हो? हाँ जी। तो गाइस ये अभी क्वांटिटी में इसको तड़का लगाने लगे हैं हमारा, तो थोड़ा इसके बाद तड़का लगेगा करण जी। हाँ जी। ठीक है, तो अमूल मक्खन डाल दिया आपने। ये अदरक टमाटर है, थोड़ा सा टमाटर भी आ गया, क्या बात है जी, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है करण जी। तो अभी और काफ़ी कुछ डलेगा इसमें। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो मेरे ख्याल में भैया आप क्या डालने लगे? भैया लहसुन पेस्ट डालने लगे हैं। लहसुन और अदरक की पेस्ट है ये? हाँ जी, लहसुन अदरक, लहसुन अदरक की पेस्ट है गाइस। मिर्ची डालते हैं। ये कौन सा मिर्ची है? गार्लिक है। अच्छा गार्लिक, क्या बात है जी। ये मसाला डाल दिया, मसाला आ गया जी, उनका सीक्रेट मसाला है जी, इसमें हो जाएंगे। हाँ गाइस देख सकते हो आप कितना बढ़िया आ रहा है। तो पानी अभी तैयार हो रहा है हमारा तड़का, तो वह जो होता है तो फिर आप करने लगे भैया तैयार। कर जी सबसे पहले अमूल मक्खन आ गया जो हमारा। ठीक है जी, तो ये आपने सारा इकट्ठे को क्वालिटी में आपने तड़का पहले लगा लिया। हाँ जी। और पाव भी आपके काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं, ये स्पेशल तैयार करवाते हो? स्पेशल बेकरी से आते हैं हमारे, ऑर्डर स्पेशल बेकरी रात में ऑर्डर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा। धनिया आ गया हमारा, थोड़ा सा लाल मिर्ची आ गया,
पहले पाव को हम तड़का मारेंगे। भैया काफ़ी क्वांटिटी में मक्खन यूज़ कर रहे हैं, कोई मतलब पाव कंजूसी नहीं भैया, है ना? क्या बात है जी, ट्रेडिंग भी हमारी बहुत ही बढ़िया होने वाली है दोस्तों पाव भाजी की। तो कभी आए अमृतसर तो जरूर विजिट करें और ट्राई करें उनकी पाव भाजी। तो पाव हमारे मोस्टली तैयार हो गए हैं, क्या बहुत बढ़िया। तो पाव तैयार हो गया, पहले अब तड़का लगेगा हमारा। अच्छा तड़का लगा लिया हमने, पाव लगा लिया, सब्जी को प्लेट लगाएंगे। अब प्लेट तैयार होने वाली है। ओके ओके, क्या बात है जी। ये देखिए दादी भैया ने बाद में बटर अमूल बटर आ गया हमारा, ये आ गया आपका पनीर, पनीर आ गया, ये आ गया धनिया, धनिया आ गया जी, प्याज आ गया, प्याज ओके, स्पून दे दिया भैया ने, स्पून एक नींबू ओके, पाव आएगा ठीक है जी, रख दो जी, पाव आ गया, क्या बात है पाव आ गया। हमारी प्लेट मतलब ऑलमोस्ट डन हो गई है ना। हाँ जी, तो अभी अभी थोड़ा सा गार्निश करेंगे चीज से। तो करण जी क्या कॉस्ट रखी है आपने प्लेट की? 70 रुपये, ओनली 70 रुपये है। तो गाइज आप देख सकते हो कितनी टेम्पटिंग इन्होंने प्लेटिंग की है, खाने में तो बहुत ही जमी होगी और रेट भी बिल्कुल जैनवल है। अमूल मक्खन मेरे ख्याल में तो 20-25 का तो ज़्यादा ही आपने अमूल मक्खन डाल दिया इसमें। तो सो गाइज बिल्कुल जैनवल प्राइस है, 50 ग्राम से ज़्यादा लग जाता है, क्या बात है, मतलब कि 40-45 से ऊपर हो गया हमारा मक्खन। सो गाइज करते हैं ट्राई, फिर आपको बताते हैं। सो गाइज कर दी भैया ने प्लेट तैयार। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने काफ़ी प्लेटिंग जो है बहुत बढ़िया की है, चीज़ वगैरह काफ़ी इन्होंने गार्निश किया है और अमूल मक्खन की तो काफ़ी इन्होंने क्वांटिटी यूज़ की है। तो साथ में दिए हैं इन्होंने 4 पाव हैं, साथ में सब्जी दी है और थोड़े से प्याज दिए हैं सैलड के लिए, और साथ में सबसे पहले नींबू दिया है। तो भैया बोल रहे थे कि सबसे पहले हम इसको नींबू डालेंगे, नींबू से जो टेस्ट है काफ़ी हैंस हो जाता है। तो ये देखिए हमने पहले इसको नींबू डाल दिया, तो करते हैं थोड़ा मिक्स करते हैं इसको। सब्जी में से काफ़ी मसालों की खुशबू आ रही है, चलिए टू गुड, बहुत ही बढ़िया। वाकई में मसालों की काफ़ी फ्रेगनेंस है, काफ़ी टेक्सचर है और अमूल मक्खन तो अलग से जो जो स्वाद है वो दे ही रहा है हमें। तो चलिए गाइस अब पाव से हम करते हैं कि बाइट लेते हैं। पाव बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए सॉफ्ट पाव है। भैया बोल रहे थे भी हम अपनी स्पेशल बेकरी से ये पाव तैयार करवाते हैं, बाहर से मतलब नहीं लेते। तो ये देखिए लगाई हमें सब्जी, काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट इनका पाव है, उसके साथ सब्जी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया, वाकई में एक्सेलेंट जो है पाव भाजी है अमृतसर में। तो सो गाइस कभी भी आप अमृतसर आएँ तो इनके पास जरूर आकर विज़िट करें और इनकी पाव भाजी आप ट्राई कर सकते हो। साथ में इन्होंने डोसा वगैरह भी रखा है, इडली डोसा भी चलता है इनका। तो सो गाइस ऐसे ही अपना प्यार आप मुझे देते रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।